हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आप दोनों में ब्रेकअप होकर रखा है, तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। जस्ट गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करेंगे क्या है। देखिए डियर, हो सकता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर में हो सकता है डाउट शक की एनर्जी की वजह से ब्रेकअप हुआ हो। जहां आपके रिश्ते में डाउट की एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त भले ही आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोग में शक की एनर्जी आई, डाउट की एनर्जी आई, ब्रेकअप हुआ है, वो शक की वजह से हुआ है। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे व्यूअर्स लग रहा है कि आप लोग सोलमेट जर्नी में, ट्विन जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों के रिश्ते पे आ रही है और उन्हें एहसास दिलाया जा रहा है। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए फील जरूर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके कौन हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शक की वजह से, डाउट की वजह से वो आपकी तरफ बात नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आइसोलेशन की एनर्जी अकेले में है और इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये काफी रोते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत उदास हैं। तो ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। बात तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त साइलेंस है, अकेले में है, इनको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है और आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो है शक। उसको जल्द से जल्द दूर कीजिए। और आपके पार्टनर इस वक्त खुश नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते में जो भी बातचीत बंद हुई वो है शक, डाउट। उसको क्लियर कीजिए और एक्शन लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।